जय माई। मैं माटोलिया जी, आज आपको मैं एक विशेष आत्म तत्व के बारे में बताना चाहता हूँ। शायद इसके बारे में आपको नहीं पता हो। आत्मा ना तो पुरुष होती है, ना पुरुष है, ना स्त्री है, ना नपुंसक है। आत्मिक रूप एक ऐसा रूप है जो व्यक्ति जैसी आसक्ति करता है वो वैसे ही रूप में प्रकट हो जाता है, वैसे ही रूप में वह जन्म ले लेता है। यदि व्यक्ति सोचता है कि मैं इस जन्म में पुरुष बनकर आया हूँ तो अगले जन्म में पुरुष ही बनूंगा, तो यह उचित नहीं है, यह निश्चित नहीं है। यदि कोई स्त्री सोचती है कि मैं इस जन्म में स्त्री हूं तो अगले जन्म में भी स्त्री रहूंगी, तो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि यह आत्मा जिस मरते समय उसकी जैसी मति होती है वैसी उसकी गति होती है। मरते समय जो व्यक्ति जैसा विचार मन में लेकर जाता है वो वैसा ही जन्म पाता है। इसके बारे में मैं एक आपको एक कथा सुनाता हूं, वह है जड़ भरत की कथा, जिसको सुनकर आप मान जाओगे कि हाँ ये सत्य है। पूर्व काल में एक भरत नाम के राजा हुए, इनके पिता का नाम था ऋषभदेव। ऋषभदेव के पुत्र थे भरत। जब ऋषभदेव संन्यास के लिए जंगल में चले गए तो भरत शासन करने लगे, पूरी पृथ्वी पर उनका ये क्षत्र राज हो गया। अब उनको धीरे धीरे आगे चलकर क्या हुआ, वैराग्य होना शुरू हुआ, शासन की ओर से उनमें आसक्ति खत्म हो गई, वो राजपाट छोड़ना चाहते थे, तो अपना पूरा साम्राज्य छोड़कर वो जंगल में निकल पड़े। जंगल में जाके क्या करते हैं, वो ये कुटिया बना लेते हैं और तपस्या करने लगते हैं, नित्य नए नियम करते हैं, उपासना करते हैं और उनका मन उसमें रम गया, भगवान की भक्ति में रम गया उनका मन। एक दिन क्या हुआ कि वे सुबह नहाने के लिए सुबह घर कुटिया से अपनी से निकले तो एक नदी के पास में वो पहुंचे। नदी के पास में जैसे ही पहुंचे तो क्या देखते हैं कि उधर से एक हिरणी आ रही थी। वो हिरणी पानी पीने लगी, उस नदी का पानी पीने लगी तो उधर दूर से किसी शेर ने गर्जना की, उसने दहाड़ मारी, तो हिरण जाति डरपोक होती है स्वभाव से ही, तो वह डर गई। डर गई तो उसके गर्भ में एक बच्चा था उसका, वो गिर गया, उसी नदी में गिर गया। तो जड़ भरत, वो भरत जी देख रहे थे, उन्होंने कहा कि ये तो मर जाएगा और वो हिरणी कहीं भाग कर किसी गुफा में जाके उसने दम तोड़ दिया। अब उस बच्चे को भरत ने उठाया और लेकर उसी तट पर बैठे रहे। वो सोचने लगे कि अब आती है वह हिरणी, अब आएगी। अब वो अकेला उसको छोड़ नहीं सकते थे, उनको भय था कहीं इसको जंगली जानवर ना खा जाए। तो जब वो शाम तक नहीं आई तो उस बच्चे को लेकर, हिरणी के बच्चे को लेकर वो अपने आश्रम पर आए। आश्रम पर आए तो अब उसकी देखभाल करने लगे। देखभाल में उनका समय उसमें गुजरने लगा। अब वो नित्य कर्म जो भी करते थे, जो भी साधना करते थे, वो धीरे धीरे कम होने लगी। जब उनकी साधना कम होने लगी तो उनका मन उसी में लग गया। अब वो जंगल में जाते लकड़ी काटने के लिए तो अपने कंधे पर उसको बैठा के ले जाते,
वो अपने आश्रम में उसको छोड़ते नहीं थे, इस डर से कहीं जंगली जानवर ने उसको ना खा ले, तो उसकी देखरेख वो पुत्र की तरह करने लगे। अब क्या हुआ कि उनका अंत समय आ गया धीरे धीरे। जब अंत समय आ गया तब मरने लगे तो वो उसी बच्चे के बारे में, हिरणी के बच्चे के बारे में सोचने लगे। जब उसी के बारे में सोचने लगे, कहीं मैं जा रहा हूँ, कहीं कोई जंगली जानवर इसको खा ना ले, मेरे बाद इसका क्या होगा, ये तो मारा जाएगा, इसका कौन लालन पालन पोषण करेगा, इसी चिंता में उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया। शरीर त्याग जैसे ही किया तो अगले जन्म में वो एक हिरणी के बच्चे बने, तो उनका रूप बदल गया, यानी कि पहले मनुष्य शरीर में थे, वो अब त्रियक योनि में आ गए, हिरणी के बच्चे बन गए। वो हिरणी के बच्चे जब बन गए तो उनको, उनकी तपस्या इतनी हो चुकी थी कि उनको अपने पूरे जन्म का ज्ञान था कि मैंने तपस्या की थी, मैं ऐसा ऐसा था। तो जब वो धीरे धीरे हिरणी के बच्चे बने हुए थे, बड़े हुए, तो एक दिन क्या हुआ, वो नदी में गए, अपने शरीर को डुबा दिया और उस शरीर का देह त्याग कर दिया उस हिरणी के बच्चे का। अब क्या होता है, अगले जन्म में वो एक ब्राह्मण के बालक होते हैं। अब ब्राह्मण के बालक होते हैं, जैसे ही वो छोटे थे तो उनके पिता वेदवादी ब्राह्मण थे, तो उनको शिक्षा देते थे कि तुम कुछ सीखो, कुछ श्लोक कुछ मंत्र सीखो, लेकिन वे उस पर कुछ भी ध्यान ना करते, अपने को मूर्ख की भांति अपने जड़वत समय बताते थे सबको। वो अपने को ऐसे दर्शाते थे जैसे कोई मूर्ख हो। अब धीरे धीरे जब वो बड़े हुए तो उनके माता पिता चल बसे, अब वो एक जड़ की तरह मूर्ख की तरह रहते थे। कोई भी उनसे कुछ भी काम की कहे तो वो तैयार हो जाते थे, किसी का भी काम कर देते थे। जब किसी का भी काम करते थे तो कोई भी उनको खाने के लिए कुछ भी दे देता था तो वो कर देते थे काम को। एक दिन क्या हुआ, उनके भाइयों ने कहा कि जाओ खेत पर, तुम जाओ और खेत को रखाओ, नील गाय आती हैं, सारा खेत उजाड़ देती हैं, फसल उजाड़ देती हैं, जाओ तुम उसकर रख, उसकी रखवाली करो फसल की। तो वो रात को चले, रात में अपने खेत पर जाके मेड़ पर जाके सो गए, रखाने लगे अपने खेत को, फसल को रखाने लगे। उसी वक्त क्या होता है कि एक डाकुओं का सरदार था, उसके जो सैनिक थे वो बलि लेकर आ रहे थे, किसी बलि देने के लिए एक व्यक्ति को पकड़ के ला रहे थे अपने सरदार के पास। अब उसकी जो बलि थी वो कहीं भाग गई, तो उन डाकुओं ने सोचा यदि मैं खाली हाथ जाऊंगा तो सरदार मुझे मार देंगे, तो इसी उधेड़बन में वो चले आ रहे थे उसी मेड़ पर। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति लेटा हुआ है, हष्ट पुष्ट है, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया, भरत को पकड़ लिया उन्होंने। जैसे ही पकड़ लिया उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो तो जड़ की तरह रहते थे। उन्होंने कहा डाकुओं ने, चलो मेरे साथ चलो, तो वो चलने के लिए तैयार हो गए। चलने के लिए तैयार हो गए तो चलते चलते पहुंचे सरदार के पास डाकू। तो सरदार ने कहा, क्यों बलि लेकर आयो? कि हाँ लेकर आए, चलो उसको नहला, उसको तैयार करो। तो डाकुओं ने उनको बढ़िया नहाया धुलाया, कपड़े पहनाए, तैयार किया। अब जैसे ही बलि के लिए उनको लेटा दिया, गर्दन उनकी पत्थर पर रख दी गई, तो सरदार आया, उसने जैसे ही तलवार निकाली और जैसे ही मारने के लिए उद्यत हुआ, जैसे ही सरदार आया और उसने जैसे ही तलवार उठाई और मारने के लिए उद्यत हुआ, तो माँ काली प्रकट हो गई। माँ काली प्रकट हो गई तो उन्होंने उन सभी डाकुओं को मार दिया।
मार दिया तो जो जड़ भरत थे उनको कोई वो नहीं रहा उसमें, तो वो तो चुपचाप ने निकल लिए, निकल के चलने लगे तो अपने घर पर पहुंच गए। तो वो जड़ की तरह रहते थे और मन ही मन भगवान की आराधना प्रार्थना करते रहते थे। वो ब्रह्मज्ञानी थे। अब एक समय वो रास्ते में जा रहे थे तो एक रघुगण नाम का राजा वहां से निकला। तो रघुगण नाम का राजा उसमें पालकी में बैठा हुआ था, उसके जो कहार थे ढोने वाले थे, तो कहारों ने कहा कि चलो ये अपने पास कम है व्यक्ति इस पालकी को ढोने के लिए, एक अच्छा खासा ये जा रहा है अष्टपुष्ट मोटा तंगड़ा, इसको क्यों ना लगा लें इस कार में। तो उन्होंने उसको उनको पकड़ लिया जड़ भरत को और उस पालकी में लगा दिया। अब पालकी में एक उसके उसमें लगा दिया कंधे में। अब वो क्या है कि जड़ भरत थोड़ा बहुत नीचे देखकर चलते थे, वो नीचे इसलिए देख रहे थे कि कोई जीव जंतु ना आ जाए और मर ना जाए मेरे पैर से। तो जैसे ही कोई जीव जंतु आता नीचे तो वो अपना पैर आगे पीछे करते थे। अब वो पालकी का संतुलन बिगड़ने लगा, पालकी का संतुलन बिगड़ने लगा। तो राजा ने कहा क्यों ये पालकी क्यों हल रही है? तो सैनिकों ने कहा कि महाराज ये नया आया है पालकी ढोने वाला, ये थोड़ा सही नहीं चल रहा है। तो कहीं उससे कहो कि सही चले। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज। तो फिर चलने लगी, चलते चलते फिर कोई जीव जंतु आया तो भरत उस पर फिर आगे पीछे उन्होंने पैर किया उसको निकालने के लिए, तो पालकी फिर हल गई। जैसे ही पालकी हिली तो राजा ने कहा कौन है ये बदतमीज जो पालकी को हिला रहा है, मैं उसको सजा दूंगा वो सही चले। तो वो फिर चलने लगे, सही चलने लगे। और कुछ दूरी के बाद में फिर कोई जानवर आया, चींटी वगैरह कुछ छोटा सा जानवर, तो उसको वो फिर जैसे ही उसको देखकर चलने लगे तो पालकी फिर हिल गई। तो राजा कहने लगा, उसने कहा उतार दो पालकी। पालकी खड़ी करके उसने कहा कि मैं तुमको सजा देता हूं, तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैं तुमको सजा देता हूं। तो भरत ने कहा कि किसे सजा दोगे आप? वो बोल पड़े आप जिस पालकी में बैठे हो उसको मैं क्या कहूं, पालकी के बनने के पहले तो ये पेड़ थी, सूख गई लकड़ी हो गई तो इसको पालकी बना दिया। आप पेड़ पर बैठे हो या पालकी में बैठे हो इस क्या कहूं उसको। तो रघुगण नाम का राजा भगवान शंकर के पास तत्व ज्ञान लेने के लिए जा रहा था, उसको लगा कि ये कोई तत्व ज्ञानी पुरुष है, तो उतर गया उनसे प्रार्थना करने लगा कि आप कोई सिद्ध महात्मा है या कोई स्वयं शंकर भगवान तो नहीं है जो मुझे उपदेश देने के लिए आप आए हैं, मुझे तत्व ज्ञान की बात आप कराइए। तो रघुगण को भरत जी ने आत्मिक तत्व संबंधी पूरी बातें बताई, उनको आत्मिक ज्ञान उनको बताया, जो बहुत रहस्यमयी गुण तत्व था उनको सभी का ज्ञान कराया। अब ये रघुगण नाम का राजा है कौन? ये रघुगण नाम का राजा वही था जो पिछले जन्म में हिरण का बच्चा बना हुआ था, जिसको भरत कंधे पर लिए हुए डोलते थे, उसमें आसक्ति हो गई थी तो उनको हिरण का बच्चा बनना पड़ा था, वही इस जन्म में रघुवर नाम का राजा बना। तो देखो कर्मों की कितनी विचित्रता होती है, कर्म अपना पीछा कभी कर्म अपना पीछा नहीं छोड़ता है, वो तो कर्मों के अधीन है पूरा जीवन। जन्म जन्मांतरों में जो भी आपके संबंधी हैं रिश्ते हैं वो सभी
एक जन्म नहीं कई जन्मों से जुड़े होते हैं और जन्म जन्मांतर तक चलते रहते हैं। ये सब कर्मों का खेल है। तो होता क्या है कि राजा भरत को कैसे हिरण का बच्चा बनना पड़ा, तो ये एक निश्चितता नहीं है कि यदि पुरुष है तो वो पुरुष ही बने अगले जन्म में, वो जानवर योनि में भी आ सकता है, वो स्त्री होने में भी आ सकता है। इसके आधार पर और भी कथा है, जो राजा थे वो अगले जन्म में स्त्री हुए, तो ये निश्चितता नहीं है। यदि कोई कहे कि नहीं मैं तो स्त्री मैं तो पुरुष होकर अगले जन्म में आऊँगा, तो ये निश्चितता नहीं है। अंत समय में जिस व्यक्ति की जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। धन्यवाद।